हाय स्टूडेंट, GIT का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में मेलिंग्स टैब के बारे में, कि मेलिंग्स टैब्स होता क्या है, इसका यूज क्या है और कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जा सकता है, वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो देखो, इस टैब के नाम से इतना क्लियर है आपको कि मेलिंग्स टैब से एक ऐसा टैब है जिसके सहारे हम लोग संदेश से संबंधित कोई डाटा, कोई इंफॉर्मेशन कैप्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसमें समझो मेल भेजने से संबंधित सारी प्रोसेस है। ठीक है, मतलब इसमें डॉक्यूमेंट बनाते समय इसका प्रयोग करते ही नहीं, और इस समय बहुत ये ओल्ड प्रोसेस हो गया, बहुत ही कम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ जाओ 1% ही लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं फिर भी ये दिया है इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी आ गए, नए नए सॉफ्टवेयर आ गए, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल कम हो गया है। ये फिर भी दिया है, अगर कोई पूछ दे तो आप कैसे बताओगे, या क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बताओगे, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर रियल में यूज करने के लिए पढ़ाना होता ना तो मैं छोड़ देता, नहीं पढ़ाते क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा यूज भी नहीं। ठीक है, तो आते हैं और देखो मेलिंग्स टैब में सबसे पहला ऑप्शन दिया क्रिएट, क्या दिया है क्रिएट, और क्रिएट में देखो पहला ऑप्शन दिया है इनवेलॉप और सेकेंड ऑप्शन दिया है लेबल। अब देखो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है इनवेलॉप, इसका क्या यूज है, मतलब आप लोग देखते हो कि जब हम किसी को कुछ भेजना होता है उसके लिए हमें लिफाफा बनाना होता है। लिफाफा देखिए हो, जैसे मान लो इसी को हमको भेजना है और एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मीन्स अगर पटना से हमको कसिया भेजना है या पटना से दिल्ली भेजना है, ऐसे लाके और पोस्ट ऑफिस में जमा कर देंगे क्या? नहीं ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट से लिफाफा खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं या वो पूछते हैं सब। तो अगर आप एक जगह से दूसरे जगह कोई इंफॉर्मेशन या कोई गुड्स अगर आप एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हो तो उसके लिए लिफाफा तैयार करना होता है, उसे बोलते हैं लिफाफा को इनवेलॉप्स। क्या बोलते हैं इनवेलॉप्स, इसका मतलब ही होता है लिफाफा। ठीक है, तो क्या लिफाफे में क्या होता है, लिफाफे में ही रहेगा कि कौन भेज रहा है और कहाँ से भेज रहा है और कहाँ पे जाएगा और कौन रिसीवर है, यही सब मैटर रहता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चलो करके दिखाते हैं आपको, तो आता हूँ और एनवेलोप पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ ऐसा नाम यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। आपको सर कैसे आपका नाम समझ गया यार कि आपके नाम से यहाँ पे डाटा आ गया, तो हम एक बार बनाए हैं इसीलिए आया है। ठीक है, मतलब आप जब बनाओगे तो खाली दिखेगा इससे, समझे? अब ऐसा मत समझना कि सर का नाम आया था तो हम कंप्यूटर बैठे तो हमारा क्यों नाम नहीं आया। ठीक है, कल पूछने लगो तो दिक्कत हो जाएगी। तो आते हैं और यहाँ पे देखो इनवेलोस में ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया देखो डिलीवरी एड्रेस और दूसरा ऑप्शन दिया रिटर्न एड्रेस, मीन्स कहाँ पे वो मेल, वो कहाँ पे वो सामान डिलीवर करना है, भेजना है, उसका एड्रेस वहां पे लिखेंगे, और रिटर्न एड्रेस मतलब कौन भेज रहा है या रिटर्न फीस से आए तो कहाँ पे आए वो रखेंगे रिटर्न एड्रेस। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप आसानी तरीके से इस लिफाफा को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो और उसके ऊपर चिपका सकते हो, मतलब बॉक्स में रखना ही पड़ेगा किसी में, लेकिन ऊपर हम लिफाफा बना के उसके ऊपर चिपकाते हैं और उसका एड्रेस इंफॉर्मेशन, उसी को बोलते हैं इनवेलॉप्स। तो चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ नेम, क्या है, रोहन शर्मा, उसके बाद एड्रेस क्या है, राम कोला, फोन नंबर जरूरी है,
है बोलो। अब इतना करने के बाद से नीचे आएंगे, लिखा है रिटर्न एड्रेस, मतलब इतना ही दे दिया, बहुत ज्यादा एड्रेस नहीं दिया, और भी पिन कोड वोड देना दे देंगे, तो ज्यादा टाइम नहीं देते हम लोग इस पे। और उसके बाद फिर लिखा नेम, एड्रेस क्या पढ़ रहा हूँ और भी जो इन्फॉर्मेशन देना है दे देंगे। अब इतना करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन दिया है, प्रिंट और एक दिया है ऐड टू डॉक्यूमेंट, समझे? तो मैं क्या करूंगा यहां से, प्रिंट कर दूं? नहीं, पर देखना चाहता हूं कैसे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो रहा है। देखो इसका प्रीव्यू भी यहां से चेक कर सकते हैं। चलो आते हैं और ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। कर दूं? यस। वही जाएगा बाबू, आ गया ना, ये मेरा इंफॉर्मेशन, ये जहां पे जाएगा उसका इंफॉर्मेशन। अब यहां पे आओगे फाइल पे, प्रिंट पे, कुछ ऐसा इशू होगा, दिख रहा है? और इसी को हम प्रिंट करके लाके क्या करेंगे, लगा देंगे, चिपका देंगे। क्या हो गया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया है लेबल, ठीक है? और लेबल में आगे बढ़ते हैं थोड़ा, और उसके बाद से यहीं पे दिया लेबल। देखो लेबल आप लोग देखे हो, देखो लेबल बना के चिपका देना, मतलब अगर हम सोच रहे हैं कि हर हफ्ते में मुझे हमेशा लेबल बनाना पड़ रहा है और कहीं पे चिपकाना पड़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका लेबल इसी पे चिपकाना है, या कंप्यूटर का लेबल कंप्यूटर पे चिपकाना है, या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हर महीने हम प्रिंट करके वहां पे भेजते हैं, तो उसका एक लेबल हम कई सारा पेज में क्रिएट कर सकते हैं और उसको प्रिंट करके रख सकते हैं। और जब जरूरत पड़ेगा उस लेबल को प्रिंट किए हैं और बीच में से फाड़ के उसको जहां पे लगाना चिपकाना लगा सकते हैं। तो लेबल का मतलब यही है कि वह इंफॉर्मेशन, वह डाटा जो जहां पे दिखाना चाहते हो, जहां पे आप भेजना चाहते हो, या किसी प्रोडक्ट पे दिखाना चाहते हो, तो वहां पे इंसर्ट करा के लगा सकते हो। तो ज्यादातर इसका इस्तेमाल लोग करते हैं लेबल का, वहां पे जहां पे केवल एक ही डिटेल दिखाना हो, जैसे मैं किसके पास मेल कर रहा हूँ, केवल उनका इंफॉर्मेशन दिखाना है, कौन उस मेल को भेज रहा हुआ इंफॉर्मेशन नहीं दिखाना है, और उसका ही लेबल हम कई सारा क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि हर महीने हर हफ्ते में दो चार बार उनके पास मेल कर देते भेज देते हैं, ठीक है? तो बार बार लेबल बनाने से अच्छा क्या है, एक बार बनाएंगे आप पेज पे मल्टीपल लेबल बना लेंगे और प्रिंट करके रख लेंगे, जब जरूरत पड़ेगा फाड़ के लगा देंगे और सेंड कर देंगे, ठीक है? तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, लेबल क्रिएट करते हैं। तो चाहोगे तो एक पूरे पेज पे एक ही लेबल बनेगा, और चाहोगे तो एक पेज पे कई सारा लेबल बन जाएगा, तो पेज नुकसान कम हो इसीलिए लेबल एक पेज पे कई सारा बनाते हैं, जिससे आगे चल के फ्यूचर में जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल कर लें। कैसे बनेगा, कहा जाते हैं लेबल पे, और मान लो यही रोहा, तुम्हारा ही सब देन है, तुम्हारा चलिए लेबल हम बना लेते हैं, नेम स्पेस स्पेस रोहित, अच्छा इसका पेज थोड़ा छोटा है इसीलिए नहीं ले रहा, थोड़ा पेज का फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा करें भी,
रहा ना यहाँ पे, ये छोटा है इसलिए क्या कर, लिख रहे तो अपने आप नीचे आ जा रहे हैं, तो लेबल थोड़ा सा चेंज करते हैं अभी, बाइबल लेटर रखते हैं, अब आएगा रोहित आ रहा है। चलो के बाद से एड्रेस क्या करेंगे, रामपुर और क्या है, ईमेल आईडी इनका देना है, ABCD। हो गया, और इसी का लेवल देखो लिखा है फुल पेज ऑफ द सेम लेवल, या सिंगल लेवल, उन्होंने बोला सर फुल पेज द सेम लेवल। आ गया, तो देखो एक यहाँ पे आया, दो ऐसे आ गया ना जी, बोलो तो दो ही आ रहा है इसके हिसाब से, ठीक है यहाँ पे एक और यहाँ पे दो, और यहाँ पे फाइल पे आएंगे देखो प्रिंट पे आएंगे तो यहाँ पे दो ही लेबल क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है, तो ये 20 से फाड़ के ये लेबल लगा देंगे और ये लेबल लगा देंगे, लेकिन हमको तो इतना करना नहीं है, बार बार हमको जरूरत पड़ता है, इतना छोटा हम नहीं लेना चाहते हैं, ज्यादा बनाना चाहते हैं, इसके लिए क्या करेंगे, फिर से आएंगे इसी पे और लेबल पे क्लिक कर देंगे, और इस बार जो लेबल है वो हम ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पे 30 पर पेज हम ले लेते हैं या उसे कम कर सकते हैं और ओके कर देंगे। अब ओके करेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा और लेकिन कुछ हमारा ऐसे आएगा इन्फॉर्मेशन। पेज पे कितना आया, 30। तो यह तरीके हैं लेवल के, आप लेवल बना सकते हैं, हटा सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ से कम ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है अगर जरूरत पड़े तो ऐसा, ठीक है लेकिन करते नहीं है, तो आप लेवल कितना उस पेज पे रखना है, 2 3 4 5 ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं करके देखिएगा आप लोग, ये डिजाइनिंग दिया इसका, हम डिजाइनिंग भी चेंज कर सकते हैं। हो जाएगा, कर लोगे, कॉलम वॉलम डिलीट करना इंसर्ट करना किया जा सकता है, इतना करना नहीं हमको, आगे बढ़ते एक ही बनाना है बस, आएंगे या दो बहुत बनेगा तो पोस्टर कार्ड दो बन जाएगा वो, बस हो जाएगा बाबू। यह हमारा इनवेलोप्स हो गया, लेबल हो गया, अब देखो जो लेबल इनवेलोप्स बनाया ना हमने, इसका चाहेंगे तो कलर भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, हम सोच रहे इसका कलर चेंज करें, इसी में ऑप्शन दिया है देखो, ऑप्शन में जाओगे तो फॉन्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो देना दे सकते हैं ओके, और रिटर्न एड्रेस का भी कलर दे चेंज कर सकते हैं। आ रहा है, हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अगला ऑप्शन दिया है स्टार्ट मेल मर्ज, अब देखो जो स्टार्ट मेल मर्ज दिया है इसका इस्तेमाल पहले बहुत ज्यादा होता था लेकिन आज के समय में बहुत ही कम हो रहा था, और क्यों होता था, क्योंकि यह एक ऐसा ऑप्शन था या एक ऐसा ऑप्शन है जिसके सारे एक ही डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पीपल्स के पास भेजा जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। क्या समझे, जब हमने एक कोई डॉक्यूमेंट्स बनाया है और इतने लोग बैठे हो, मैं सोच रहा हूँ सबके पास मैं क्या करूं, उसको सेंड कर दूं, वही डॉक्यूमेंट सबके पास चला जाए, ठीक है, तो जब एक डॉक्यूमेंट्स को एक ही लेटर को मल्टीपल पर्सन के पास भेजना होता है, वहां पे मेल मर्ज विजार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनियां पहले बहुत ज्यादा करती थी। क्या रीजन था, क्योंकि यही फायदा था इससे कि जितने मान लो सेल्समैन है सभी लोग छुट्टी पे चले गए फॉर एग्जाम्पल, और मैंने बोला ठीक है अब इनको फिर से ज्वाइनिंग कराना है,
है, या अचानक कोई काम पड़ गया सबको बुलाना है, तो होता क्या था, एक लेटर टाइप करते थे और नाम सबका अलग अलग मेंशन कर देते थे, डॉक्यूमेंट एक बनता था लेकिन हर एक डॉक्यूमेंट में नाम अलग अलग आ जाता था, और पोस्ट कर देते थे जहां पे जाना चला जाता था, और सब लोग पढ़ के तुरंत चले जाते थे। लेकिन इस समय देखो वह जमाना भी नहीं रह गया, ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, अब तो बस एक ग्रुप बन गया, बस क्लिक करिए सेंड कर दिए चला जाता, समझे, मतलब वही काम इस समय क्या हो रहे हैं, ज्यादातर हम लोग इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, ठीक है, नए नए ऐप्स के माध्यम से कर रहे हैं। आप बताइए, आप लोग इतने हो, अगर मुझे कोई संदेश भेजना हो तो पहले ऐसे ही करते थे, एक डॉक्यूमेंट लिखते थे और तब सबके पास भेजते थे या किसी से भेजवाते थे, लंबा प्रोसेस था। अगर मान लो 30 हजार स्टूडेंट है तो 30 के घर जाइए तब, ठीक है, तब उसको पता चलेगा, या किसी से भेजवाएंगे तो 30ों के पास जाएगा, ये दिक्कतें होती थी। लेकिन आज ऐसा है क्या, एक ग्रुप में 257 लोग हमने बना लिया है, बस एक बार क्लिक करते हैं, बोल देते हैं, सेंड करते हैं, चला जाता है, सब लोग जान लेते हो इस बार में, ठीक है। तो धीरे धीरे बदलता गया टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी आंसर हटाए नहीं गए हैं, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, पैटर्न्स बहुत सारे बन चुके हैं, इसीलिए इसको सीखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं, एक साथ कई सारे लोगों का लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मान लो ग्रुप बनाने के लिए लिस्ट क्रिएट करना पड़ता है ना, नंबर सबका ऐड करना पड़ता है ना, वैसे एक ग्रुप में मैसेज करने के लिए, एक ग्रुप में डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कराने के लिए, इसमें भी हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद वाला कोई ऑप्शन हाईलाइट नहीं है, है क्या, नहीं है, मतलब जब तक कोई लिस्ट नहीं बनेगा तब तक इस ऑप्शनों का कोई यूज नहीं, कोई वर्क नहीं है, ठीक है, इसीलिए सब ऑप्शन क्या है, अनहाईलाइटेड, ठीक है। अब हाईलाइट कब होगा, जब हम एक लिस्ट बना लेंगे और कुछ लिखना स्टार्ट करेंगे तो, लेकिन लिखा तो है फिर भी हाईलाइट नहीं है, मीन हमने कोई लिस्ट नहीं बनाया, ग्रुपिंग नहीं किया है, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो चलो कैसे आएगा इसको सीखते हम लोग, देखिए इसके लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता दे रहा हूँ, आप आ जाना मेलिंग्स में और यहाँ पे लिखा है स्टार्ट मेल मर्ज, एक तो तरीका, यहाँ पे क्लिक करोगे और आ जाओगे कहाँ पे, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज बिजार, तो यहाँ पे आएगा लेटर, या कोई डायरेक्टरी है, या कोई इनवेलोप है, या कोई लेबल है, या कोई मेल मैसेज है, हम लोग क्या लेटर है, लेटर भेजना, कर देंगे नेक्स्ट, कर यू द करेंट डॉक्यूमेंट, या स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, या स्टार्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब यू द करेंट डॉक्यूमेंट जो यूज कर रहे हैं, अगर पहले से कोई टेम्पलेट बना कर रखे हैं उसका इस्तेमाल करना तो यहाँ कर सकते हैं, या पहले से हमने डॉक्यूमेंट्स ही बना कर रखा था इसका इस्तेमाल करेंगे, तो मैंने कहा करेंट डॉक्यूमेंट पे काम करना है इसलिए फिर से करेंगे नेक्स्ट। फिर से देखो तीन ऑप्शन दे रहा है, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, मतलब पहले से जो लिस्ट बना है उसका यूज करना है, या सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट, मतलब आउटलुक पे अगर रखे हो वहां से इस्तेमाल करना है, और या टाइप ए न्यू लिस्ट, नया लिस्ट बनाना है, क्या बनाना है, नया लिस्ट बनाना, और कर देंगे क्रिएट। तो यह ऑप्शन यहाँ तक ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यही काम अगर करना है बहुत जल्दी से करना, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं करना है, बस आ जाओ सेलेक्ट रिसिपिएंट और कर दो टाइप न्यू लिस्ट, डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ समय आया, तो चलो। लेकिन यहाँ पे फायदा यहाँ से करने से क्या है, बताता क्या क्या हम कर रहे हैं, मतलब बता रहा है कि आप लेटर टाइप करने जा रहे हो, नेक्स्ट करेंट डॉक्यूमेंट में करने जा रहे हो, नेक्स्ट नया बनाने जा रहे हो, समझे। तो चलो अब ये लिस्ट बहुत सारा देखो लिखा है ना, टाइप रिसिपिएंट इंफॉर्मेशन इन द टेबल, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है टेबल बनाना पड़ेगा, तो टेबल इसमें बहुत बड़ा दिया है, तो हम अपने हिसाब से टेबल को कस्टमाइज कर सकते हैं, कैसे, तो कस्टमाइज कॉलम, और इसमें देखो इतने हेडिंग दिए हैं तो हम इंफॉर्मेशन भरते रह जाएंगे, टाइटल चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, कंपनी नेम चाहिए, एड्रेस वन चाहिए, टू नहीं चाहिए, डिलीट कर दें, सिटी चाहिए, स्टेट चाहिए, जिप कोड नहीं चाहिए, हमारे यहाँ रीनेम मतलब कर देंगे पिन कोड, क्या कर देंगे पिन कोड, ओके, कंट्री ठीक है, होम फोन नंबर नहीं, मोबाइल नंबर, डॉट मत लगाना काम नहीं करेगा, वर्क फोन नंबर डिलीट नहीं जरूरी है, एक ही सब होता है, ईमेल आईडी है जरूरी। अब चलो इसमें इसको ऊपर नीचे करना कर सकते हो, मतलब एड्रेस के बाद हम क्या दिखाना है,
कंपनी ने हो गया, कंपनी का एड्रेस लिख दिया, सिटी हो गया, स्टेट, स्टेट से पहले हम पिन कोड दिखाना चाहते हैं तो मूव अप, और ठीक है इन सबसे भी पहले हमको मोबाइल नंबर बताना है अब, उसके बाद से ईमेल आईडी, अब उसके बाद सिटी, तब पिन कोड, तब स्टेट, तब कंट्री। अब करेंगे यहां से ओके, मतलब अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं क्या क्या हमको देना है उस लिस्ट में। ओके अब बनाएंगे मिस्टर रुपेश, लास्ट नेम मिश्रा, कंपनी नेम GIT, कहाँ से आता है पढ़ रहा हूं ना, मोबाइल नंबर क्या है, कुछ भी तो है ही है, ईमेल आईडी, हाँ खाली ABCD, सिटी पढ़ रहा हूँ ना, पिन कोड, स्टेट यूपी, कंट्री इंडिया। अब टाइप फिर से दबा देंगे, दूसरे पे आ जाएंगे मिस्टर रोहन, क्या है वर्मा, कहाँ GIT में काम करते थे, कहाँ के हैं राम कोला, मोबाइल नंबर नहीं पता, ये सब कुछ नहीं पता हमको बस। तीसरा मिस्टर अकलू अजय है, उसके बाद ये मान लो काम करते TVS कंपनी में, हाँ सर होगा दा, इस GIT से बड़ी है TVS कंपनी के, अच्छा सैलरी मिलेगा। चलिए आते हैं, और आने में क्या करेंगे बोलो, या बना लिया 3 लोग का हमने, आप भी कम से कम 10 लोग का बना लीजिएगा ठीक है, क्या करेंगे यहाँ से ओके। और यही भी देखो ऑप्शन दिया है, डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, फाइंड करना है फाइंड कर सकते हैं, नया बनाना है नया बना सकते हैं, और कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज कर सकते हैं, न्यू को मतलब सो रहा ना, जो टैब टैब बटन दबा के लास्ट तक जा रहा है, यहीं से क्लिक कर देंगे नया एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, और गलती से बना दिया डिलीट करना है डिलीट कर देंगे, और बनाए बहुत सारा लेकिन पता नहीं चला बना है कि नहीं बना है, तो खोजते हैं ना कि रमेश आया है कि नहीं आया है, तो खोजना पड़ेगा तो पता चलेगा, तो हमें भी खोजना है रुपेश का नाम लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, तो फाइन क्या रुपेश ज्यादा डाटा हो तो है रुपेश, कोई बात नहीं अच्छा अब कर देंगे ओके। सेव करना पड़ेगा, क्या है यह लिस्ट है, क्या लिस्ट है, स्टूडेंट लिस्ट, कहाँ पर रखेंगे डॉक्यूमेंट्स, सेव ओके। अब देखो ऑप्शन हाईलाइट हो गया बोलो, अब मान लो एक ही डॉक्यूमेंट हमको कई लोगों के पास भेजना है तो क्या करूंगा, आ जाऊंगा राइट एंड इंसर्ट फील्ड, तो मान लो हमने जो लिखना था वो लिख दिया, जो लेटर लिखना था देखो एक पैराग्राफ का लेटर लिख दिया हो गया, किसके पास भेजना है क्लिक करके यहां से इंसर्ट करेंगे, टाइटल चाहिए जी, फर्स्ट नेम जी, लास्ट नेम जी, कंपनी नेम दिखाना है, एड्रेस दिखाना है, मोबाइल नंबर अभी नहीं दिखाना, बस क्या करेंगे यहां से प्रीव्यू रिजल्ट आ गया, मिस्टर रुपेश मिश्रा GIT पटना, जो लो अब बताओ, अब फायदा क्या होगा, फायदा यही है कि रुपेश का भी देख लिए, डॉक्यूमेंट हमारे यही है, और यहीं से दूसरे का प्रिंट करना है बस कर देंगे नेक्स्ट, तो रोहन वर्मा का भी आ जाएगा डॉक्यूमेंट वही है, कर देंगे नेक्स्ट, अजय कुशवाहा का भी आ जाएगा डॉक्यूमेंट हमारा वही है, मतलब यहाँ पे एक एक करके चेंज किया जा सकता है, डॉक्यूमेंट चेंज हमारा नहीं होगा, समाया चलो, अगर कहोगे सर एक साथ सबका देखना हो तो बनाए एक पे, तो सबका एक साथ देखना हो तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ यहाँ पे देखो ये ऑप्शन क्यों दिए हैं,
हाईलाइट कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाएगा जो हमने इंसर्ट किया है। एड्रेस ब्लॉक, इसका एड्रेस बता रहा है आपने क्या लगाया है। उसके ग्रीटिंग लाइन, तो आप लोग इस्तेमाल करते हो ना DA2, तो ग्रीटिंग लाइन लगाना है तो यहाँ से क्लिक करके लगा सकते हो, या पाली लगाना है लगा सकते हो, डियर सर मैडम ये टू जो भी है हो जाएगा ना। और इंसर्ट फील्ड तो मैंने बता ही दिया आपको, बोलो उसका रूल तो हमारा पाली से लगा रहा था, किस रिकॉर्ड से किस रिकॉर्ड मैच कराना है, तो पाली से रिकॉर्डेड मैच है ठीक है, या फर्स्ट नेम से फर्स्ट नेम पे दिया है ठीक है, एड्रेस पे एड्रेस दिया है, सिटी पे सिटी दिया है, मतलब यहाँ पे मैच नहीं करेगा। अगर मान लो कंपनी पे अगर हम दूसरा कुछ ले लिए और ले लिए एड्रेस लाइन वन, तो कंपनी आएगा मिसमैच हो जाएगा, इसलिए मैच कराना है, किससे क्या दिखाना, तो पहले तो मैच करके आ जाता है, और मैच करना तो कर सकते हो लेकिन डाटा दिखेगा नहीं, इसलिए हमको कुछ करना नहीं, इस पे बस कर देना यहाँ से ओके। और लास्ट में सब काम करने के बाद से आपको क्या करना है, फिनिश मर्ज, और फाइंड करना है कि बताओ रुपेश का तो है लेकिन रमेश का है कि नहीं, बस चेक करेंगे, लिखेंगे रमेश है, कर नो एंट्री कंटेंट द टेक्स्ट योर टाइप, मतलब इससे लेटर हमने कोई कंटेंट टाइप नहीं किया है, अब किसी का चेक करें, अजय है आगे ठीक है बाबू। और हम चेक करना चाहते हैं कि मेल बनाते समय यह कुछ एरर तो नहीं है, मतलब एरर भी चेक कर देगा और जो हम बनाए वो कंप्लीट भी कर देगा, और फिर से ऑप्शन हाईलाइट है जो ब्लॉक हो जाएंगे, तो चेक कर ले कुछ गलती तो नहीं किया है, तो क्या पे एरर चेकिंग कर देंगे, लिख लो शॉर्टकट भी दिया अल्ट शिफ्ट के, ठीक हो जाएगा, बोलो कर दो यहां से चेक, तो यहां फिनिश भी कर सकते हैं, आ तुम्हारी मर्जी, एरर चेक करके भी फिनिश हो सकता है, तो चेक कर लें, कर लेते हैं, मतलब यहां से भी करोगे तो भी बन जाएगा और यहां से करोगे तो भी बन जाएगा। एक बात और, अगर हम सोच रहे हैं कि सबका हर एक पेज पे इंफॉर्मेशन आ जाए, इस समय एक ही पेज है ना जी मेरे पास देख लो, और यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट प्रीवियस करके देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं बार बार नेक्स्ट प्रीवियस करके ना देखना पड़े, सबका नाम सब पे आ जाए, फर्स्ट पे फर्स्ट का, सेकेंड पे सेकेंड का, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पर राइट योर लेटर, प्रीवियस योर लेटर, और नीचे आएंगे लास्ट स्टेप, कंप्लीट द मर्ज और प्रिंट, नहीं इंडिविजुअल आल करेंट या फ्रॉम, मतलब आल देखो पहले पे भी आया, दूसरे पे आया, बोलो उसके बाद से तीसरे पे आया, लेटर एक ही है, मेटर एक ही है, नाम अलग अलग, अजय अजय यह है, रोहन यहाँ है, सब अजय नहीं है, रुपेश यह है।